दुनिया में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 20% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। भारत में सांपों की करीब 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 50 प्रजातियां विषैली होती हैं। विश्व का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलेटस पाइथन रेटिकुलेटस होता है, जो कि 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सांप या सर्प पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों जगह पाया जाता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है, जो पूरा का पूरा स्केल से ढांका रहता है। सांप के पैर नहीं होते हैं। यह निचले भाग में उपस्थित घड़ारियों की सहायता से चलता फिरता है। इसकी आंखों में पलकें नहीं होती, ये हमेशा खुली रहती है। सांप विषैले तथा विषहीन दोनों प्रकार के होते हैं। एक इसके ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियां इस प्रकार की संधि बनाती है, जिसके कारण इसका मुंह बड़े आकार में खुलता है। इसके मुंह में विष की थैली होती है, जिससे जुड़े दांत तेज तथा खोखले होते हैं, अतः इसके काटते ही विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। दुनिया में सांपों की कोई 2500-3000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में जहरीला सर्पों की 69 प्रजाति ज्ञात है, जिनमें से 29 समुद्री सर्प तथा 40 स्थलीय सर्प है। जहरीले सर्प के सिर में जहरीला संचालक तथा ऊपरी जबड़े में एक जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं। विषहीन सर्पों के काटने पर अनेकों छोटे गड्ढे सेमी सर्कल में पाए जाते हैं, जबकि विषाक्त सर्पों में केवल 2 गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। तो इसकी कुछ प्रजातियों का आकार 10 सेंटीमीटर होता है, जबकि अजगर नामक सांप 25 फीट तक लंबा होता है। सांप मेंढक, छिपकली, पक्षी, चूहे तथा दूसरे सांपों को खाता है। यह कभी कभी बड़े जंतुओं को भी निगल जाता है।